हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे तीसरे चैप्टर में अगला टॉपिक है गोलीय आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला या फिर चालक गोले के कारण विद्युत विभव। ध्यान दें बेटा, चाहे आपको परीक्षा में जब भी खोखला गोला बोलेगा तो भी उसका मतलब यही है, सेम कैलकुलेशन। अगर गोलीय कोश बोलेगा तो भी सेम कैलकुलेशन। और अगर चालक गोला बोलता है, देखो तीन है इसमें, या तो चालक गोला बोलेगा या खोखला गोला बोलेगा या फिर गोलीय कोश बोलेगा, समझ गए? तीनों की कैलकुलेशन सेम रहेगी, गोलीय कोश की, खोखले गोले की और चालक गोले की। क्लियर है? यानी कि तीनों की कैलकुलेशन सेम है। तीनों में देखो एक चीज कॉमन है कि जो गोला है उस पर जो आवेश का वितरण है, जो आपका गोला है उस पर आवेश का जो वितरण है, आवेश का वितरण कहाँ रहता है? एक समान रूप से उस गोले के पृष्ठ पर, एक समान रूप से आवेशित गोले के पृष्ठ पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित रहता है, चाहे गोलीय कोश हो, चाहे खोखला गोला हो या चालक गोला हो। बात क्लियर है कि आवेश कहाँ रहेगा? गोलीय कोश में, खोखले गोले में, चालक गोले में, जो गोला है उसके पृष्ठ पर बाहर की ओर समान रूप से। अब हमें तीन कंडीशन में विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो गोलीय कोश है या खोखला गोला है या फिर चालक गोला है उसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोला है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा देखो, इसमें तीन कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन है कि जब बिंदु पी, जब बिंदु पी गोले के, कौन से गोले के, मैंने नाम नहीं लिखा, गोलीय कोश भी हो सकता है, खोखला गोला भी और चालक गोला, बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, ठीक है, बाहर स्थित होगा तो कंडीशन क्या बनेगी? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि छोटे आर का जो मान है वो बड़े आर से ज्यादा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि v बराबर माइनस समाकलन e डॉट dr, ये संबंध हमने पढ़ रखा है। ध्यान है क्या, कहाँ पढ़ा था ये संबंध? हमने पढ़ा था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध है ये, जिसको हमने विभव प्रवणता भी बोला था। हाँ जी, देखो अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, विद्युत विभव जब भी ज्ञात करते हैं तो विभव की परिभाषा है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के किसी बिंदु तक लेके आने में किया गया जो कार्य है और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वही तो विभव है। इसका मतलब अगर P बिंदु पर हमें विभव निकालना है तो आवेश कहाँ से आएगा? आवेश अनंत से आएगा, आवेश अनंत से आएगा। तो अनंत से कहाँ तक आएगा बेटा? P बिंदु तक। और P बिंदु केंद्र से, गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है? गोले के केंद्र से दूरी पर है छोटे r। इसका मतलब इस समाकलन की लिमिट क्या हो जाएगी? इस समाकलन की लिमिट हो जाएगी आपके पास अनंत से छोटे r। अनंत से कहाँ आएगा? छोटे आर तक। ठीक है, अच्छा जी, जो E का मान है वो हमारे को पता है, जो भी चालक गोला है या आवेशित गोलीय कोश है या आपका खोखला गोला है उसमें बाहर की ओर विभव, सॉरी विद्युत क्षेत्र E आउट हमने ज्ञात कर रखा है, क्या आया था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान है क्या, इसको देते समीकरण एक और इसको देते समीकरण नंबर दो। क्लियर? समीकरण दो से मान एक में रखते हैं तो समीकरण दो से मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या आ जाएगा बेटा? v बराबर माइनस अनंत से r, e की जगह लिख देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है? अच्छा ये बताओ यहाँ क्या कॉमन है भाई, हमें समाकलन किसके रेस्पेक्ट में करना है? dr के रेस्पेक्ट में, तो r तो अंदर रह जाएगा और बाकी सब कॉमन आके बाहर आ जाएगा।
ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ देखो, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस के क्यू कॉमन और समाकलन अनंत से r 1/r² इंटू डी आर। 1/r² का समाकलन पता है क्या? नहीं पता। तो इसको देखो, पहले क्या कर सकते हैं, इसको हर से अंश में लेके आएंगे, तो v बराबर माइनस का के क्यू समाकलन अनंत से r माइनस टू, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r-2 इंटू डी आर। अब यहाँ एक सूत्र हमने पढ़ रखा है, समाकलन x^n इंटू डी एक्स, x^n+1/n+1, याद है क्या ये फॉर्मूला? इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और इसको हल करते हैं। देखो तो क्या आ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, हाँ जी, तो ये आ जाएगा x n की जगह क्या है, -2, तो आपके पास आ जाएगा v बराबर माइनस का के क्यू अनंत से r -2+1 समाकलन हट जाएगा, समाकलन कर देंगे तो इसका, और माइनस का 2+1 और लिमिट आ जाएगी अनंत से r, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो v बराबर आ जाएगा माइनस का के क्यू, हाँ जी, दो में से एक गया तो एक बच गया, -1, और दो में से एक गया माइनस का, और लिमिट है आपके पास अनंत से r, तो v बराबर ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो के क्यू r-1 को नीचे लाएंगे तो 1/r हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी अनंत से r। अब लिमिट रखो, पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो v बराबर आ जाएगा के क्यू 1/r माइनस सूत्र में, और फिर कौन सी लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट, तो 1/∞। और हम जानते हैं 1/∞ क्या होता है, 0। कैसे बेटा? इन्फिनिटी बराबर होता है 1/0, और 1/∞ क्या आ जाएगा, 1/∞ को हम लिख सकते हैं, 1/∞ को लिखेंगे 1/0, 0 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1/1 × 0, तो 0। इसका मतलब एक बटा इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो v बराबर आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन r, ये 0 हो गया। यही है आपके पास जो गोलीय कोश है, उस गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विभव। क्लियर? अब देखो पृष्ठ पे ज्ञात कर देते हैं, पृष्ठ पे ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये जब बिंदु कहाँ, गोले के पृष्ठ पर, तो अगला सेकंड पॉइंट ले लेते हैं इसी में, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, चित्र को समझते हैं। तीन टॉपिक की कैलकुलेशन चल रही है एक साथ, कौन कौन से की, गोलीय कोश आएगा परीक्षा में तो भी यही कैलकुलेशन है, और खोखला गोला आएगा तो भी यही कैलकुलेशन है, और चालक गोला आएगा तो भी यही कैलकुलेशन है। क्लियर है? हाँ जी। अब हम ले लेते हैं, जब बिंदु P कहाँ स्थित हो, पृष्ठ पर, तो देखो जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, है ना, तो गोलीय कोश ले लेते हैं, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर होगा तो क्या होगा बेटा, r और छोटा r और बड़ा r बराबर होंगे, स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल r। चित्र देखो, ये आपका चालक गोला आवेश संपूर्ण रूप से पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल r है, और जो P बिंदु है वो पृष्ठ पर है, मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है, ये भी R है, ये केंद्र है, तो क्लियर है, छोटा R और बड़ा R बराबर है, ठीक है। वही सूत्र लगाते हैं, हम जानते हैं कि V व E में संबंध से, क्या संबंध था बेटा, V बराबर माइनस अनंत से, इस बार कहाँ आएगा, अनंत से आपके पास कैपिटल R पर आ रहा है, यानी कि त्रिज्या के बराबर E इंटू डी आर, ठीक है। E का मान रख दो तो वही कैलकुलेशन करेंगे, तो माइनस अनंत से कैपिटल R के क्यू अपॉन r² इंटू डी आर। क्लियर? और जब कैलकुलेशन करेंगे ना इसकी पूरी, तो यहाँ पे आ जाएगा V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R, ये आ गया वी एस, एस मीन्स सरफेस। ये कैलकुलेशन मैंने अभी की है, वो ये सेम, क्या करना है, के क्यू को बाहर ले लेंगे, 1/r² का समाकलन करेंगे तो -1/r आएगा, -1/r में लिमिट रख देंगे तो ये आ जाए, अरे ठीक है ना। तो इस तरह से समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको करके देखना एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है।
तो इसमें तीन टॉपिक छुपे हुए हैं, ये विशेष इंपॉर्टेंट ये चीज़ जो है ध्यान रखने की, गोलीय कोश हो चाहे खोखला गोला हो चाहे चालक गोला हो, सबकी यही कैलकुलेशन है, यही थ्योरी है। बस अगर गोलीय कोश है तो यहाँ गोलीय कोश लिख देंगे, अगर खोखला गोला बता रहा है तो खोखला गोला, चालक गोला बता रहा है तो चालक गोला। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।